वालेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का जो व्लॉग है ना ये आई थिंक आज है ट्वेंटी थर्ड दिसंबर और देखें ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये हमारे टेरेस यानी कि छत पे से ऐसा व्यू दिखता है यहाँ के घर भी बहुत अच्छे होते हैं और आज हम धूप सेकने के लिए आए थे क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत कम होने की वजह से ना बहुत सर्दी हो गई है और बच्चों की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है आजकल ना और मेरे बेटे को भी कोल्ड वगैरह हुआ हुआ था मैं मुझे लगा कि मैं भी ऊपर धूप में थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी और मेरा बेटा भी जो है ना धूप में थोड़ा सा खेल लेगा तो हो सकता है इसकी तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर हो जाए फिर उसके बाद शाम हो गई थी दिन में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब है ना इस वजह से तो जब हम बाहर आए तो फिर हमें यहाँ पे कुछ काम था मेरे हस्बैंड ने पहले वो काम किया और फिर हमने सोचा कि चलो कुछ स्नैक्स वगैरह टी वगैरह ले लेते हैं तो हमने यहाँ से कड़क बाज़ार नाम से ना ये बहुत ही अच्छा सा जो है ना कैफ़े है शायद ये चाइनीज़ है आई थिंक और इतना अच्छा इनका जो है ना स्नैक्स मिलता है जैसे कि शॉर्मा हो गया बर्गर हो गया तो आज हमने पहली बार इनका ना फ़्रेंच फ्राइज़ का जो बॉक्स थे वो हमने कीमा फ़्राइज़ ऑर्डर किया जो देखने में तो बहुत खूबसूरत था ही लेकिन खाने में ना ज़बरदस्त एकदम टेस्टी बना था इसमें था कीमा फ़्रेंच फ्राइज़ जेलापिनो और ऑलिव्स जो खाने में बहुत टेस्टी था और कीमा इसके अंदर ना बीफ वाला इन्होंने ऐड किया हुआ था ये ना जो कीमा है ना वो भी ये फ़्रेश यूज़ करते हैं तो हमने ये इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया उसके बाद हम घर आ गए थे घर आकर ना मेरे बेटे ने बिस्किट की डिमांड की जो उसने पहले ही पैकेट के अंदर पूरे तोड़ दिए थे एक पैकेट के अंदर ना फोर बिस्किट निकलते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है सौ पैसे में मिल जाता है तो फिर ये नाराज़ हो गया कि मुझे नहीं खाना ये टूटा हुआ बिस्किट तोड़ा भी खुद था और खाना भी नहीं था अब फिर उसके बाद मैंने इसको मनाने के लिए ना यहाँ पे स्नैक्स का बॉक्स ओपन करके दिया कि आप इसमें से कुछ भी खा लें क्योंकि ये कभी कभी खा लेता है जो बेसन वाली आपको नज़र आ रही है लेकिन फिर इसने नहीं खाई ये कह रहा था मैं पूरा बॉक्स जो है ना नीचे फेंकूँगा आपका तो बस फिर ये मान गया था और मैं आ गई थी किचन में बिरयानी बनाने के लिए सॉरी पुलाव बनाने के लिए और मैं बिना अखनी के ना यहाँ पे पुलाव बना रही थी ये इमरजेंसी वाली है लेकिन जो इसका टेस्ट है ना बिल्कुल अखनी वाली पुलाव के जैसा आता है बस इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो प्रॉपर डलने चाहिए इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर हो सकता है जब भी मैं इमरजेंसी में बनाऊँगी ना इन तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पर जो थे ना मेरी पुलाव जब तक बन रही थी फिर से मेरे बेटे ने जो है ना रोना स्टार्ट कर दिया था और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग नेक्स्ट डे इवनिंग से क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से ना फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की तो ये देखें जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो ऐसा एक कार्ड निकलता है पार्किंग के लिए कि आप टेन मिनट्स के लिए ना एयरपोर्ट वाली इस लाइन में आप रह सकते हैं और दस मिनट के बाद ना आपको चार्जेस जो है ना वो पड़ने शुरू हो जाते हैं दस मिनट के लिए फ्री है अगर आपको किसी को पिक करना हो या किसी को ड्रॉप करना हो तो दस मिनट के लिए आप यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है ना पार्क कर सकते हैं ये टैक्सी वाला एरिया था और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है ना मतलब कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपको डायरेक्ट पार्किंग में ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कोई भी गेस्ट वगैरह आ रहा है और वो पूरी तरीके से रेडी है बाहर निकल कर खड़ा है तो आप उसे इजीली पिक कर सकते हैं इनका एक कज़न आया था हमने उसको पिक किया एयरपोर्ट से और बस उसके बाद हम जा रहे थे तो जो कार्ड हमने वहाँ से लिया था वही कार्ड हमने इन्हें देना था ये स्कैन करेंगी तो जो ये है ना तभी ये ओपन होगा और हम बाहर यहाँ से निकल सकेंगे

आज हम एयरपोर्ट आए थे और ये देखें आप बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह जो है ना एयरपोर्ट के बाहर का जो एरिया है नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और रोमान का जो एयरपोर्ट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत सारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं बस ये रास्ते में ना ये थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी और लाइट्स बहुत ज़्यादा थी ना क्रिसमस की वजह से तो इस तरीके से आई है उसके बाद हम आ गए थे नेस्टो मुझे नेस्टो से ना थोड़ा कुछ शॉपिंग भी करनी थी एक दो चीज़ें नहीं थी और हमें ना हमने सोचा कि हम डिनर जो है वो यहीं कर लेंगे नेस्टो के अंदर लेकिन जब हम नेस्टो पहुंचे ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी सेल लगी हुई थी और बहुत ज्यादा रश था आज यहाँ पे सेवेंटी परसेंट ऑफ था हर एक चीज पर हर एक ब्रांड पर जिसकी वजह से आज काफी रश था और बहुत सारे लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आए थे मेरे हस्बैंड चले गए थे फूड एरिया में और मैं चली गई थी ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे देखनी थी कि किसका क्या प्राइस है कुछ कुछ मैंने लेना भी था कुछ स्पेसिफ़िक तो नहीं लेना था लेकिन कोई बात नहीं लड़कियाँ तो कभी भी कुछ भी ख़रीद सकती हैं आपको पता ही है उसके बाद मैं आ गई थी बेबी वाले एरिया में मुझे अपने बेटे के लिए ना नई नई चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर मैंने यहाँ से जो है ना ये वाले बेड वगैरह जो भी थे वो देखे और यहाँ से मुझे एक ना ब्लैंकेट चाहिए थी हल्की सी वार्म अप वाली जो मैं कार के अंदर रख सकूँ ताकि ना इसे कोई परेशानी ना हो वैसे इसका प्राइस बहुत सस्ता था सिक्स हंड्रेड पैसे की थी बट मैंने फिर भी नहीं ली क्योंकि ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी अच्छी वाली नहीं थी जैसे मैंने सोचा था यहाँ पे नाइट सूट्स और सूट्स वगैरह बहुत ही सस्ते थे डेढ़ रियाल वन रियाल फाइव हंड्रेड पैसा सिक्स हंड्रेड पैसा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के और ये फ्रॉक्स भी ना बहुत अच्छी थी वाली थी और फिर उसके बाद में आ गई इस वाले एरिया में मैंने सोचा मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ जो भी यहाँ बरखा के आसपास रहते हैं आप नेस्टो में विजिट कर सकते हैं ये ट्वेंटी फाइव दिसंबर को आपको विलॉक मिल जाएगा ट्वेंटी तक नाइट के ट्वेल्व ओ तक सेल है सेवेंटी परसेंट ऑफ है हर एक चीज़ पर और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई थी ये देखें क्लचर वगैरह क्लिप वगैरह मतलब बहुत ही अच्छे थे सॉक्स वगैरह पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट था और ये थे बच्चों के ग्लव्स वगैरह ठीक है ना टोपी वगैरह कैप वगैरह जो फाइव हंड्रेड पैसे और सिक्स हंड्रेड पैसे में लगी हुई थी और ये बहुत ही कम दाम है यहाँ के अकॉर्डिंग ना वरना हर एक चीज़ जो है बहुत ही महंगी मिलती है तो बच्चों ने बच्चे यहाँ पे ना मतलब जो भी आ रहे थे एक साइड में लेडी थी उनके इनकी बेटी को ना सब कुछ ही चाहिए था कि हर एक चीज़ में से मैं एक एक चीज़ लूँगी ये देखें यहाँ पे न, ना नाइट शूट सूट थे बच्चों के ये बेबी गर्ल्स के सूट हैं आप इसे बॉयज़ को भी पहना सकते हैं वो कह रहे थे लेकिन वैसे ये गर्ल्स के ही हैं यहाँ पे फाइव हंड्रेड पैसे में इन्होंने बहुत सारी जो है ना पैंट्स वगैरह डाली हुई थी और ये वन रियाल एट हंड्रेड के थे लेकिन अभी फाइव हंड्रेड में फाइव हंड्रेड पैसे में आपको मिल रहे थे अप्रोक्स इंडिया के ना वन हंड्रेड रुपीज़ में उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे क्योंकि मुझे कुछ फ्लार पॉट चाहिए थे लेकिन जो चीज़ भाई हमें चाहिए थी ना वो तो महंगी आपको मिलेगी ही इतने छोटे छोटे फ्लावर का रेट था थ्री रियाल फोर रियाल टू रियाल अभी मैं आपको आके ना वापस दिखाती हूँ फिर ये मुझे फोर हंड्रेड पैसे में ना कुछ दिखाई दिया और मैंने वहाँ आकर देखा तो ये थे पिल्लो कवर जो बहुत ही खूबसूरत थे लेकिन मुझे नहीं लेना था तो इसलिए मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया कि एक्स्ट्रा सामान लेकर कोई फ़ायदा नहीं है आज मैं सिर्फ घूमने के लिए आई थी और एक दो चीज़ें जो थी ना फिर भी मैंने बाई की मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी या फिर इसकी व्लॉग के एंड में दिखा दूंगी यहाँ पे ना ब्लैंकेट्स थी बहुत ही प्यारी प्यारी ये पिलो कवर सिक्स हंड्रेड पैसे का था ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था लेकिन बहुत ही प्यारे कलर थे और यहाँ पे ना ब्लैंकेट्स जो थी ना छोटी बड़ी टावल्स हर एक चीज़ पे सेल थी ये कैंडल स्टैंड था जो मिल रहा था वन रियाल सिक्स हंड्रेड पैसे का गोल्डन कलर का लेकिन बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल था यहाँ पे शॉपिस थे ये फ्लावर थे ना न्यू अराइबल इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था ये वन रियाल फाइव हंड्रेड पैसे से स्टार्ट था वैसे तो ना ये फ्लावर हमेशा ही महंगे होते हैं यहाँ ओमान में कभी भी आपको जो है ना डेकोरेशन का सामान सस्ता नहीं मिलता हमेशा महंगा ही मिलेगा फिर मैं आ गई थी इस एरिया में ये थे डोर मैट फाइव हंड्रेड पैसे के साथ में ही यहाँ पे लगे हुए थे नीचे बिछाने वाले जो कारपेट्स होते हैं ना वो और ये था हंड्रेड पैसे का ये डाइनिंग टेबल पे ना आप इसको अच्छे से जो है ना बिछा सकते हैं ये टेबल मैट थे सिर्फ हंड्रेड पैसे का और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टूल कह लें आप इसको ट्रे कह लें वैसे वो कह रहे थे कि आप ना इसे अपने बेड वगैरह के साथ में जो है सेट कर सकते हैं ये वॉशरूम में हर एक चीज़ पे ना होम फर्नीचर पे जो थी सेल थी ये आप देख सकते हैं जो टेबल विद चेयर है ना सिक्स चेयर के साथ में ये मिल रहा था ट्वेंटी सिक्स रियाल का और ये एक पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये था थ्री रियाल सिक्स हंड्रेड का जिस वजह से फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था इतने में तो मेरे तीन से चार पॉट आ जाएंगे छोटे छोटे रखने के लिए और मेरे पास अभी ना इनकी डेकोरेशन करने के लिए ना इतना कुछ भी कोई फर्नीचर नहीं है और ये शू रैक मिल रहा था 600 पैसे का अगर कोई इस ब्लॉक को देख रहा है यहाँ से तो आप भी ले सकते हैं ये इतना ज़्यादा तो मजबूत नहीं था लेकिन अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ बाहर रहते हैं या फिर कोई बैचलर रहता है ना उसके लिए बहुत बेस्ट है वो सिक्स से एट पेयर्स अपने इसके अंदर जो है ना रख सकता है और बस यहाँ पर फिर आ गए थे हम लेडीज़ वाले एरिया में यहाँ पे ना ब्राइडल पर्स लगे हुए थे और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में तो पर मैं ऐसा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती तो बस फिर कोई फायदा नहीं था ये मैंने आप लोगों के लिए दिखाया उसके बाद यहाँ पे रिंग पर सेल थी वन रियाल की एक रिंग थी आप कोई भी ले सकते थे यहाँ पे ये सीलिंग बैग हैंड बैग और क्या बोलते हैं हैंड क्लच हर एक चीज़ थी ना बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पर्स आए हुए हैं जिनके ऊपर बिल्कुल जो है ना डिस्काउंट लगा हुआ है बहुत ही अच्छा टू रियाल नाइन हंड्रेड पैसे थ्री हंड थ्री रियाल फोर रियाल तक रेंज के थे 1.5 में ये प्यारे प्यारे जो है ना छोटे छोटे साइड बैग थे स्लिंग बैग थे बहुत ही अच्छे पर्सेस थे अगर किसी को चाहिए तो वो जाकर यहाँ से बाय कर सकता है आपके एरिए में जो भी नेस्टो है ना उसमें आज के दिन की पूरी फुल सेल है आप अपने एरिए के आसपास वाले लुलू और नेस्टो में विजिट कर सकते हैं लुलू तो मैं नहीं गई पर लुलू में भी जो है ना काफ़ी अच्छी सेल लगती है हर बार और नेस्टो वाली सेल मैंने फर्स्ट टाइम देखी है क्रिसमस पे यहाँ पे क्योंकि मैं हमेशा लुलू वाली ही देखती हूँ ये बच्चों के प्यारे प्यारे गर्ल्स के बेबी गर्ल्स के ना पर्स थे जो 1.5 और 1 रियाल में लगे हुए थे और माशाल्लाह से देखने में ना बहुत ही ब्यूटीफुल थे मुझे ये 1.5 वाला एक बहुत अच्छा लगा रेड कलर में जैसे हमारे सूट केस होते हैं ना ये उस टाइप का बना हुआ है और फिर मैंने इसको ओपन करके देखा तो आप इसमें अपना मोबाइल वगैरह मनी वगैरह और छोटा मोटा मेकअप का सामान भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि कुछ बड़ी गर्ल्स को ऐसे फनी से बैग अच्छे से लेना पसंद होते हैं उसके बाद मैंने कुछ विंटर कलेक्शन देखा ये मुझे बहुत पसंद आया ये ना बहुत अच्छा था आप इसे पहन भी सकते थे और जब आपको बैक साइड से कोई देखेगा ऐसा लगेगा जैसे आपने पोंचू या फिर कोई स्टोल लिया हो लेकिन आप इसे पहन भी लेंगे तब भी पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने एक तरह जैकेट की तरह पहना है ये भी कार्डिगन्स थे लॉन्ग वाले ये भी बहुत अच्छे थे और सस्ते भी थे यार थ्रीयाल में क्या ही मिलता है आजकल और उसके बाद बच्चों के टॉयज़ पे बच्चों के लिए टेबल्स और घर में डेकोरेशन करने के लिए कॉर्नर वगैरह पे भी अच्छी काफ़ी सेल थी ये 1.5 रियाल यानी कि इंडिया के 300 के आसपास का था यहाँ पे ये छोटा सा प्रेयर मैट लगा हुआ था टू फिफ्टी पैसे का और ये बहुत ही अच्छा और पफ वही पफ़ी सा था ना जिनके गोडों में कोई प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी होती है ये वाली जैनिमज तो डेढ़ रियाल में मिल रही है नेस्टो के अंदर आप लोग ले सकते हैं और ब्लैंकेट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छी सेल थी जो वन रियाल की लगी हुई थी कोई वन पॉइंट टू रियाल की थी वन पॉइंट टू रियाल वाली सिंगल थी और थ्री पॉइंट टू रियाल वाली तो बहुत ही अच्छी थी और हैवी थी ये देखिए आप देख सकते हैं फिर आ गई थी जी मैं फर्नीचर वाले एरिया में और यहाँ पे ना फर्नीचर के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल थी वुडन वाले में मुझे ये स्टैंड पसंद आया है इन जाकर ज़रूर लूँगी इसको और आप इसमें कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं अपने दुपट्टे वगैरह पॉर्सेज वगैरह और नीचे शू रैक भी बनाया हुआ है इन्होंने छोटा सा इसके अंदर बहुत ही प्यारा जो है ना फर्नीचर आया हुआ है ये थर्टी नाइन में है जिसके साथ टेबल है और साथ में ना टू स्टूल हैं चेयर की तरह आप इसे अपने ना नाश्ते वगैरह के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं ये थी ब्लैंकेट्स और सॉरी कंबल इस कंबल का रेट पता आपको क्या था ट्वेंटी टू रियाल का था ये लेकिन अभी ट्वेल्व रियाल में लगा हुआ था सीधा टेन रियाल का जो है ना फ़ायदा था और बस उसके बाद मैं वॉशरूम आई थी तो यहाँ का मैं आपको वॉशरूम प्रेयर रूम दिखाती हूँ इसका वॉशरूम काफ़ी बड़ा था और बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन था और यहाँ पे जो आंटी थी ना वो साथ के साथ प्रेयर रूम की सफाई कर रही थी तो उन्होंने मुझे प्रेयर रूम में आने के लिए मना कर दिया था क्योंकि नमाज का कोई टाइम नहीं था उनका क्लीनिंग का टाइम था उसके बाद देखें जी मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे ना जेंट्स के फूडवेयर पे भी काफ़ी अच्छी सेल है वन रियाल टू रियाल वन पॉइंट एट में वन पॉइंट फाइव में काफ़ी अच्छी जो है ना सेल लगी हुई थी और ये बच्चों के कुछ टॉयज़ थे ये भी काफ़ी सस्ते थे फाइव पैसे का मिल रहा था आई थिंक और क्रिसमस के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर काफ़ी सेल थी ये स्टेशनरी वाली जगह थी यहाँ मैं नहीं जा सकी क्योंकि ये बहुत बड़ा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था हम यहाँ पे सिर्फ कुछ खाने के लिए आए थे लेकिन फिर आपको पता ही है लड़कियों का तो दिल ही है ना हमेशा एक्सप्लोर कर लेते हैं सारी मार्केट घूमना शुरू कर देती हैं नीचे भी काफ़ी अच्छी सेल थी हर एक चॉकलेट पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है और कुछ भी ग्रोसरी का सामान आप बाय करें सेवेंटी परसेंट ऑफ में मिल रहा है और बहुत ही अच्छे प्राइस हैं इनके मुझे इस बार बहुत ज़्यादा सस्ता लगा उसके बाद बस हम आ गए थे वहाँ से हम कुछ नहीं खा पाए क्योंकि जो था ना बिलिंग काउंटर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था जिसकी वजह से ना मेरा बिल होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया लिया मैंने कुछ भी नहीं था सिर्फ़ ईयर लिए थे फिर बाहर एक कैफ़े था गोल्डन टाइम जो मेरा हमेशा से फेवरेट है फिर मैंने यहाँ से बाई किया फूड हम घर जाकर ही खा लेंगे ठीक है उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए काफ़ी रात हो चुकी थी आई थिंक दस या फिर ग्यारह बजे हुए थे इतनी भी ज़्यादा रात नहीं थी लेकिन फिर भी हमें काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए हम इवनिंग में निकले थे और मेरे बेटे की भी कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना तो इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बेटे को भी साथ लेकर गए थे कि पीछे से कोई परेशानी ना हो जाए हम आ गए थे घर और फिर खाना वगैरह खा के सो गए थे अभी सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बनाने आ गई थी ब्रेकफास्ट आज के व्लॉग में इतना ही अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ना प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल सकें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़